नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, कैसे हो? सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे प्रत्य की, और प्रत्य में मैंने आपको बताया था कि प्रत्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्य की परिभाषा बताई थी, प्रत्य कहाँ जुड़ते हैं, बहुत सारी बातें हम पिछली कक्षा में कर चुके थे। प्रत्य के मैंने प्रकार बताए थे, एक तो कृत या कृदंत प्रत्य होते हैं और एक तद्धित प्रत्य होते हैं। कृत या कृदंत प्रत्य कौन से होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, ये सारी बातें भी हम कर चुके थे। अब इसके बाद में मैं आपको फिर बता रहा था कि प्रत्य के हम भेद कर देते हैं, एक तो कृत या कृदंत, दूसरा तद्धित। कृत या कृदंत के 5 भेद होते हैं, जिसमें हम पहला भेद पढ़ चुके थे, ठीक है ना। श्वेता नव्या जी, एकता कुमारी जी, देव लक्ष्मी जी, पूजा लूनिया, राजेंद्र चौधरी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मीनू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बिल्कुल आते ही आप रौनक बढ़ा देते हो। दिनेश कुमावत जी, पूजा कश्यप जी, एक बार मैं पहले सबका नाम बोल रहा हूँ, बाद में मत कहना, ठीक है ना, मैं पूरा पढ़ाने पर ध्यान दूंगा। फिर चीकू, विनीता जी, राजेंद्र कोमल जी, राजकुमारी घंटाला जी, कैसी हो राजकुमारी घंटाला जी, कानाराम जी, सरोज बाडू जी, जितेंद्र जी, नरेंद्र जी, अशोक जी, प्रकाश जी, राजा राम जी, मेरे प्यारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। शुरुआत करते हैं आगे की। तो चर्चा चल रही थी प्रत्य में, किसकी, कृत या कृदंत प्रत्य की। अब इसके बाद में पहला तो भेद पढ़ लिया था, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्य, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। बिल्कुल अच्छे से समझिए, बिल्कुल क्रिया भी पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा, सब कुछ पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल अजय प्रजापत जी, समझिए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो प्रकार है कृत या कृदंत प्रत्यय का, वो कौन सा होता है, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। देखो, ये कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय और करणवाचक कृदंत प्रत्यय। सोनू चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। गुरु जी, मैगी खा लो, महादेव की लाडली जी खा लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, देखो, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय और करणवाचक कृदंत प्रत्यय, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी, तो पहले इनको थोड़ा सा समझ लो, ध्यान से समझ लोगे, इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। देखो क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। हाँ, मेनका कुमारी जी, अगर आपकी क्लास छूट गई है तो बिल्कुल परेशान ना है, यूट्यूब पे जाना, उत्कर्ष स्कूल डालना, उत्कर्ष स्कूल पे वीडियो में जाओगे तो पूरी जितनी भी मैंने पहले दिन से लेके आज तक की जितनी भी क्लासें हैं सब आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। हरिराम मीणा जी, हाँ, हरकेश मीणा जी, मधु जी, अशोक जी, मीनू जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बिल्कुल, मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ आपके कल्पतरु बैच को। हाँ बिल्कुल, देखिए, कर्मवाचक और करणवाचक जो कृदंत प्रत्यय है, इसमें क्या अंतर होता है, अच्छे से समझना, ध्यान देना। हाँ बिल्कुल सोहन पटेल जी, बिल्कुल ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि जितने भी, हाँ बिल्कुल, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ वो अभी ले रहा हूँ, बीच में अब नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बीच में मेरे भाई बहन जो बाद में क्लास लेते हैं बहुत डिस्टर्ब होते हैं, फिर उनके कमेंट आते हैं, तो इसलिए जो भी नाम लेने थे मैं ले चुका, अब पूरा ध्यान यहां देना है। देखो, कंपेयर करके पढ़ेंगे, कैसे पहचानोगे कि कर्मवाचक है या करणवाचक, क्योंकि पुस्तकों में कर्मवाचक में भी वही उदाहरण दे रखे हैं, करणवाचक में भी वही दे रखे हैं, तो वहां बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, वो कंफ्यूजन नहीं हो, अच्छे से अंतर करना है, बहुत ध्यान से समझना है। यदि कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा तो ये कर्म के अर्थ का बोध कराएगा, और कर्म के अर्थ के साथ किसके अर्थ का बोध हो जाएगा, को के अर्थ का बोध हो जाएगा। बात करें अगर करणवाचक की, तो ये किसके अर्थ का बोध कराएगा, साधन के अर्थ का बोध कराएगा, और से के अर्थ का भी बोध होगा। बहुत अच्छे से समझना, ये कंफ्यूजन आप दूर कर लोगे तो कर्मवाचक और करणवाचक में समस्या नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से समझना।
तो जो कर्मवाचक होगा ये कर्म के अर्थ का बोध कराएगा, करणवाचक करण का ये किसी कारण या साधन के अर्थ का बोध कराएगा। जैसे समझना, मैंने कहा आपसे एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ध्यान से समझना, जैसे ओढ़नी, इसको समझो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिछौना, दो उदाहरण मैंने ये लिखे हैं, इनको समझ लो, उसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब आप ओढ़नी और बिछौना इनको किसके रूप में प्रयोग करते हो? कर्म के अर्थ में। आप किसको बिछाते हो? बिछौना को। आप किसको ओढ़ते हो? ओढ़नी को। ओढ़नी को ओढ़कर नाचूंगी, किसको ओढ़ के नाच रही है? ओढ़नी को। किसको बिछा रही है? बिछौना को। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? कर्म के अर्थ का। अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? हाँ, नहीं, ये क्लास लाइव होती है, बिल्कुल। लक्ष्मी शर्मा जी, स्वागत, अभिनंदन। ये जो क्लास चलती है ये गेस्ट हाउस से होती है, ठीक है ना? देखो, यहां से ओढ़नी और बिछौना ये किसके अर्थ का बोध कराते हैं? कर्म के अर्थ का बोध कराते हैं। किसके अर्थ का? कर्म के अर्थ का। कैसे? ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा, ओढ़नी को ओढ़ के नाच रही है और बिछौना को बिछा रही है, लेकिन इसमें अंतर कैसे करना है ध्यान देना। जैसे मैंने कहा बेलन, अच्छे से समझना, मैंने कहा बेलन, मैंने कह दिया आपसे झाड़ू। अब बेलन और झाड़ू ये दोनों क्या किसका बोध करा रहे हैं? साधन के अर्थ का बोध करा रहे हैं। साधन के अर्थ का बोध कैसे करा रहे हैं? ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए। देखो, ये साधन का बोध करा रहा है, ये रोटी बेलने का क्या होता है? साधन होता है। ये झाड़ने का, झाड़ू मारने का, सफाई का क्या होता है? साधन होता है। ये दोनों किसके अर्थ का बोध बना करा रहे हैं? ये सभी बोध करा रहे हैं किसके अर्थ का? साधन के अर्थ का बोध करा रहे हैं। अब बताइए, बेलन रोटी बेलने का साधन नहीं है क्या? बिल्कुल साधन है। झाड़ू सफाई का साधन नहीं है क्या? बिल्कुल साधन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका, उत्कर्ष परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से। आप नए विद्यार्थी हैं, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो बेलन और झाड़ू दोनों किसका बोध कराते हैं? साधन के अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये भी विशेष ध्यान रखना है। अब बताइए, अंतर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यदि कोई साधन के अर्थ का बोध कराए तब तो वो किस में आएगा? करणवाचक में, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल। और यदि वो किसी कर्म के अर्थ का बोध कराए तो वो किस में आ जाएगा? कर्मवाचक में आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना? हाँ, पेन से लिखने को क्या कहते हैं सर जी? राजेंद्र चौधरी जी, पेन से लिखने को, हाँ, बिछौना तो सोने का साधन होता है। अरे रामनिवास कुशवाहा जी, बिछौना सोने का साधन नहीं होता, आप बिछौना को बिछाते हो। ये थोड़ा सा अंतर आएगा अभी समझ में, एक साथ नहीं आएगा। अच्छा, कुछ आप कह भी रहे थे, हाँ, पेन से लिखना, पेन से लिख रहे हैं तो वो साधन है पेन, तो वो करणवाचक में आएगा। हाँ बिल्कुल, ध्यान से, हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। तो बेलन किसका बोध करा रहा है? साधन का। हाँ राजकुमारी घिंटालिया जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप, बेलन ठोकने का साधन भी आता है। अरे कोई नहीं ठोकता, वो दिन गए कि पहले ये पतियों को पीटने का काम करता था बेलन, अब कोई नहीं पीटता। महिला बहुत सम्मान करती हैं अपने पतियों का, बहुत प्यार देती हैं, क्योंकि महिलाओं को आजकल पता चल गया है कि हर साल जो कुंभ का मेला होता है उसमें साधुओं की और सन्यासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, साधुओं और सन्यासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए उनको डर लगता है कहीं हमारे पति भी बेलन के डर से साधु सन्यासी ना हो जाए, ठीक है ना? तो अब नहीं मारता कोई भी, चक्रव्यूह का प्रयोग नहीं करता बेलन झाड़ू। अब ये बात ध्यान रखना, तो रोटी बेलने का साधन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल साधन है, ठीक है ना? झाड़ने का साधन, सफाई का साधन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल है, ठीक है ना? हाँ, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है।
आ रहा है ना समझ में, ध्यान देना। अब ओढ़नी को ओढ़ के नाचेगा, बिछौना को बिछाएगा, बेलन से रोटी बेलेगा और झाड़ू से सफाई करेगा। जहां भी साधन के अर्थ का बोध हो जाए वहां कौन सा होता है? आप हंस रहे हो, मैं सही बात कह रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हाँ, तो ये साधन का बोध करा रहे हैं और ये कर्म का बोध करा रहे हैं। अभी इनको अच्छे से कंपेयर कर लो जिससे ये समस्या नहीं रहे, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा गलती होती। अब देखो समझना, एक शब्द लिखा मैंने मेला और एक शब्द लिखा मैंने ठेला। अब मेला और ठेला किसका बोध करा रहे है? मेला मिलने का क्या होता है? साधन होता है। मेला मिलने का क्या होता है? साधन होता है। एक ही स्थान पर आपको सब कुछ मिल जाए, आपको कुछ भी खरीदना हो ये सब कुछ वहां मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना, तो ये भी विषय ध्यान रखना है। देखिए, तो मेला मिलने का क्या है? साधन है। आपको एक ही स्थान पर सब कुछ मिल जाए इसके लिए आप कहां जाते हो? मेला। तो जो भी सामान लाते हो तो किससे ला रहे हो? मेला से ला रहे हो। वीरू भाई जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका भी। हाँ बिल्कुल, देखिए, और आप सब्जी देखते हो ना, सब्जी बेचना, सब्जी बेचने वाला, बहुत बहुत अच्छी बात है मेनका कुमारी जी, बिल्कुल आप हिंदी में आगे बढ़ो, मेरा मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा दुआएं रहेंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो देखो, ठेला, सब्जी बेचने वाले का साधन क्या होता है? ठेला। वो सब्जी किससे बेचता है? ध्यान से समझो, ठेला से। वो सामान खरीद के लाता है, कहां से लाता है? मेला से। तो ये किस में आता है? विशेष ध्यान रखना, मेला और ठेला। बिल्कुल राजेंद्र चौधरी जी, सब कुछ मिलता है, उत्कर्ष में ज्ञान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए तो सर्वोत्कर्ष उत्कर्ष है। हाँ बिल्कुल, तो मेला और ठेला ये क्या है? साधन है। किसके अर्थ का बोध करा रहे हैं? ये साधन के अर्थ का बोध करा रहे हैं। अब आगे समझो, ठीक है ना। देखिए, मैंने कहा यहां पर, जैसे आप लिखते हो सूंघनी और चटनी। अब ये सूंघनी और चटनी, ये दोनों किसका बोध कराएंगे? कर्म के अर्थ का बोध कराएंगे। किसके अर्थ का बोध कराएंगे? कर्म के अर्थ। सूंघनी क्या होती है? सूंघनी एक नसवार होती है, जिसको सूंघने से क्या हो जाता है? नशा हो जाता है। कुछ महिलाएं अपने पास क्या रखती हैं? कुछ महिलाएं अपने पास एक पुड़िया में एक चूर्ण टाइप का नशा का सामान रखती हैं और उसको ऐसे सूंघ लेती हैं और उनको क्या हो जाता है? नशा हो जाता है। तो ये सूंघनी और चटनी, ये दोनों किसके अर्थ का बोध कराती हैं? कर्म के अर्थ का बोध कराती है। ऐसे ही मैंने लिख दिया खाना। अब ये खाना किसका बोध कराएगा? आप क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो। किसको खा रहे हो? खाने को खा रहे हो। तो ये खाना क्या है? कर्म का बोध करा रहा है। तो खाना, खाना। अब खाना भी कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो खाना क्रिया होती है, एक खाना कर्म होता है, और एक खाना जिसे हम बॉक्स कह देते हैं, खाने जिसको कह देते हैं, वो भी इसी में आता है। हाँ बिल्कुल, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो साधन के अर्थ का बोध होगा तब तो करणवाचक हो जाएगा, और साधन के अर्थ का बोध नहीं हो रहा तो वो कर्म में चला जाएगा। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। यदि, यहां लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, और वह कर्म जिसमें क्या आता है? को, के अर्थ का बोध कराए, कर्म के
अर्थ का बोध कराए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैं यहां कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे हाँ बिल्कुल, यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा आपसे सूंघना क्या है, क्रिया है ना, हटा दिया तो क्या बचा, सूंग मूल धातु, प्रत्य क्या जोड़ दिया, नी, मिला के लिखा तो क्या बना, सूंघनी। सूंघनी क्या होती है, नसवार होती है। किसके अर्थ का बोध कराएगा, को के अर्थ का बोध कराता है। हाँ देखो, बूढ़ी औरतें एक डिब्बी रखती है, डिबिया रखती है, बिल्कुल सवाई राम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ उस डिबिया में, महेंद्र जी, चौधरी जी, राम राम भाई जी, ध्यान दो। तो सूंघनी। अब इसी प्रकार ओढ़ना क्या है, क्रिया है, ओढ़ना की मूल धातु ओढ़ बची, प्रत्यय में क्या जोड़ दिया, नी जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, ओढ़नी। तो किसको ओढ़ के नाच रही है, ओढ़नी को ओढ़ के नाच रही है। इसी प्रकार खाना में खा क्या है, मूल धातु है, खा क्या होगी, मूल धातु होगी, ना क्या जोड़ा इसमें, प्रत्यय जोड़ा, मिला के लिखा तो क्या बना, खाना बना। खाना खाना, अब ये खाना क्रिया नहीं है, खा मूल धातु है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, अच्छे से समझना। खा मूल धातु है, ना प्रत्यय मिला के लिखा तो खाना हो गया, तो ये ध्यान रखना है। खाना क्या होगा, कर्म होगा, जिसमें रोटी है, सब्जी है, पापड़ है, सलाद है, ये आ जाते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो सूंघनी, ओढ़नी, खाना, इसी प्रकार और भी मैंने आपको बताया, विषय ध्यान रखना, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चाटना क्या है, क्रिया, और चाटना क्रिया की मूल धातु क्या बची, चाट, इसमें प्रत्य क्या जोड़ दिया, नी, मिला के लिखा तो क्या बना, चटनी। तो किसको चाट रहे हो, चटनी को। तो ये किसका बोध करा रहा है, ध्यान रखना, ये कर्म का बोध कराता है। तो जो साधन के अर्थ का बोध नहीं करा रहा होगा, जो को के अर्थ का बोध करा रहा होगा, वो किस में आएगा, कर्मवाचक में आएगा। ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। तो अभी हमने बात करी है किसकी, कर्मवाचक की। तो कर्मवाचक क्या कहता है, बिल्कुल पानी पीना, बिल्कुल इसी में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। क्या पी रहे हो, पानी पी रहे हो, तो इसी में आ जाएगा। पी, पीना क्या है, पानी, तो को के अर्थ का बोध हो रहा हो, कर्म आ रहा हो, वो कर्मवाचक इसमें हो जाता है। अब इसके बाद में तीसरा मैं लिख रहा हूं करणवाचक, इसको भी अच्छे से समझ लेना, बहुत ध्यान से समझना है, ध्यान देना है। करणवाचक कृदंत प्रत्य, करणवाचक कृदंत प्रत्य क्या होता है, कैसे होगी, भूल त्रुटि हो जाती है निर्मा एनपीजी, बिल्कुल भी भूल या त्रुटि नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान देना, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दोगी तो ये समस्या नहीं रहेगी। चट धनी नहीं होता नीतु नीरसेन जी, चाट ना क्रिया है, चाट मूल धातु और नी प्रत्यय होगा तब चटनी बनेगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो करणवाचक कृदंत प्रत्यय, करणवाचक कृदंत क्या होता है, अच्छे से समझना, बहुत बहुत ध्यान रखना है। देखिए करणवाचक कृदंत प्रत्यय में क्या होगा, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह करण
कोष्टक में लिख दिया से, के अर्थ का बोध कराए, अर्थ का बोध कराए, अब करण से अथवा साधन के अर्थ का बोध कराए, ठीक है ना, करण के अर्थ का, करण से के अर्थ का बोध कराए, अर्थात साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो, अर्थात साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो, साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो, करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है, करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है, इसको अच्छे से समझना है। देखो यहां क्या कहा जा रहा है, अच्छे से समझिए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, यहां देखिए, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह करण से के अर्थ का बोध कराए अर्थात साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो, करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। कैसे कहलाएगा, ध्यान देना समझना। मैंने लिखा जैसे, जैसे, धन्यवाद आदित्य राज जी। हाँ देखिए और ध्यान से समझिए, जैसे मैंने कहा, यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे तो यहां पर किसका बोध हो रहा है, साधन के अर्थ का। देखो मिलना क्या होती है, क्रिया, मेल क्या हो जाएगी, मूल धातु, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ देंगे, आ, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, मेला, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, मेला। अब कोई भी सामान आप खरीदते हो, उस सामान खरीदने का साधन क्या है, मेला है कि नहीं है, तो आप सामान किससे खरीद रहे हो, मेला से। आगे समझिए, इसके अलावा ठेलना क्या होती है, क्रिया, ठेल मूल धातु है, आप प्रत्यय जोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, ठेला। सब्जी बेचने का साधन क्या है, ठेला है नहीं है, हाँ बिल्कुल, प्रणाम शैलेंद्र गुजर जी, ध्यान दो एक बार, ठीक है ना। तो मिलना से बना है मेला, ठेलना से बना है ठेला, मिलना से मेला, ठेलना से क्या बना, ठेला। तो यह भी विषय ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो ये क्या है, साधन का बोध करा रहे नहीं करा रहे, ये किसके अर्थ में आ रहे हैं, साधन। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इसके बाद में इसका ले सकते हो। इसका भी ले सकते हो आराम से, मेला ठेला। अब इसके आगे और भी खूब, हाँ बिल्कुल, झाड़ना झाड़ू साधन में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल होगी राजवीर जी, 9 बजे वाली क्लास भी होगी। हाँ लेखनी, लिखने का साधन होता है खुशीराम गुजर जी, लिखने का साधन है लेखनी, बिल्कुल। देखो लिखना क्या है, क्रिया है, लिखना क्या है, क्रिया है, लेख मूल धातु है, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, नी, मिला के लिखा तो क्या बना, लेखनी। अब लेखनी लेख लिखने का साधन नहीं है क्या, कुमार चौहान जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है भाई, भाई जी ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, खूब सारे उदाहरण लिखाऊंगा पिंकी जांगड़ जी, ध्यान देना। तो लेखनी लेख लिखने का क्या है, साधन है कि नहीं है, और समझो इसमें, ठीक है ना, आगे समझिए, खूब सारे उदाहरण लिखेंगे। लेखनी, मैंने लिखा कतरना क्या होती है, क्रिया, और कतरना क्रिया में से ना हटाया तो कतर मूल धातु रखी, इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, नी, क्रिया में से ना हटाने पर मूल धातु बन जाती है, मूल धातु में नी जोड़ने से क्या हो जाती है,
ना प्रत्यय जोड़ने से, मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बन जाती है। तो कतरना क्या है? क्रिया। और इसमें से ना हटात के नी जोड़ा तो क्या बना? कतरनी। अब कतरनी क्या होती है? कैंची को कहते जो कपड़ा काटने का या बाल काटने का साधन होती है, ठीक है ना? ये भी विषय ध्यान रखना है। क्या आ गया सामने? लेखनी, लेख लिखने का साधन होता है। सही राम तानाया जी, 9 बजे वाली जो क्लास होती है, ठीक है ना, वो किस पे होती है? ध्यान रखना, जो 9 बजे वाली क्लास होती है वो उत्कर्ष क्लास है, यूपी स्पेशल पे होती है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो देखिए, लेखनी लेख लिखने का साधन है, कतरनी कपड़े काटने का या कागज काटने का साधन होता है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। स्वागत है गर्वित मालव जी। आगे देखिए, तो यहां पर कतरनी है, इसके अलावा और समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा बेलना क्या है? क्रिया। और बेल में जब अन्न प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? बेलन बना। अब रोटी बेलने का साधन क्या है? बेलन है। फूंकना क्या है? क्रिया है। फूंक इसकी मूल धातु है, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया? नी जोड़ दिया। मिला के लिखा तो क्या बना? फूंकनी बना। फूंकनी क्या है? यह भी आपको ध्यान रखना है, आग जलाने का साधन, जिसमें आप फूंक मार के करते हो। गैस नहीं होती घर पे, जब चूल्हे पर रोटी बनाते हैं और उसमें लकड़ी को देके उसमें आग जला के वो भुज जाती है, तो उसको फूंकनी के माध्यम से उसको क्या करते हैं? आग को बढ़ाते हैं। तो ये भी क्या है? फूंकनी आग जलाने का साधन होता है। तो इसी प्रकार झाड़ना क्या है? क्रिया है। और झाड़ क्या हो गई? मूल धातु। प्रत्यय क्या जोड़ दिया? उ। सफाई का साधन क्या होता है? झाड़ू होता है? नहीं होता। इसी प्रकार आटा छानने का, तो छानना, तो छान क्या हो गई? मूल धातु। नी क्या जोड़ दिया? प्रत्यय। मिला के लिखा तो क्या बना? छननी। तो ये किसका बोध करा रही है? चाय छानने का या आटा छानने का साधन होता है, ठीक है ना? हाँ राजेंद्र जी, चकला का भी नाम बिल्कुल आपने ले दिया, तो मुझे लेने की अब आवश्यकता ही नहीं रही। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? साधन के अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो ये भी विषय ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे, ध्यान रखना, किसके अर्थ का बोध करा दे? सुमरणी का अर्थ क्या होता है? सुमरणी। सुमरणी क्या होती है? माला को कहते? नहीं कहते, ठीक है ना? किसको कहते? माला को कहते। तो छननी इसमें आ गई, जिसको छननी कह देते हैं। तो यह भी विषय ध्यान रखना। तो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो किसके अर्थ का बोध करा दे? साधन के अर्थ का, करण के अर्थ का, से के अर्थ का, वहां कौन सा होगा? करणवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। बिल्कुल ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बिल्कुल समझ आ गया। तो यह भी आपको विषय ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद में, तो कर्म हो गया, करण हो गया, इसके बाद में इसका जो चौथा भेद होता है वो होता है भाववाचक। चौथा भेद कौन सा है? भाववाचक कृदंत प्रत्यय होता है। अब देखो, भाववाचक कृदंत प्रत्यय किसका बोध कराता है, इससे भी आप अच्छे से समझना। हाँ बिल्कुल सोहन पटेल जी, आटा छानने का जो साधन होती है, जिसे हम चलनी या छलनी कह देते हैं, आज उसे एक बिल्कुल ढक्कन भी होगा, रोटी या किसी भी सामान को ढकने का साधन ढक्कन होता है। हाँ वो उमराम बिल जी, ये प्रत्यय जुड़ने पर उनका रूप बदल जाता है, ठीक है ना? जैसे सांप धन ओला, ओला प्रत्यय जुड़ते ही सपोला हो जाता है। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छे समझा, बहुत बहुत धन्यवाद खुशी राम गुर्जर जी। भाववाचक कृदंत प्रत्यय। अब भाववाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है, किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से समझना, जिसमें भाव के अर्थ का बोध हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखिए अब इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब किसी
क्रिया या मूल धातु के साथ किसका प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, और वो किसके अर्थ का बोध कराए, विशेष ध्यान रखना वो किसके अर्थ में आ जाए, भाव के अर्थ में आ जाए, तो भाववाचक कृदंत प्रत्यय होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, और वो किसके अर्थ का बोध करा दे, भाव के अर्थ का बोध कराए, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। मीता राव जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान से समझना, ध्यान देना है। तो यहां क्या कह रहा है, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह किसके अर्थ का बोध करा दे, भाव के अर्थ का बोध करा दे, क्या कहलाता है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो भाव का बोध होना चाहिए, ठीक है ना। कानाराम गुजर जी, खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय होगा, खेलना क्रिया है, आड़ी प्रत्यय है, खिलाड़ी कोई व्यक्ति होगा, इसलिए वो किस में आएगा, कर्तृवाचक में आएगा, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। ज्योति शर्मा जी, कल आपके स्कूल वाली क्लास नहीं होगी, कल रात को 9 बजे वाली क्लास लगेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, खिलाड़ी भी आपको इसी में आएगा, कर्तावाचक में होगा, ठीक है ना। हाँ विषय ध्यान रखना इसका। तो ये देखिए कैसे होगा भाववाचक कृदंत प्रत्यय, मैं लिख रहा हूं कुछ उदाहरण जिनका आपको ध्यान देना है, जैसे आप समझना इसमें और ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ मूल धातु और इसमें प्रत्य क्या जोड़ा, आई, मिला के लिखा तो क्या बना, पढ़ाई बना। पढ़ना क्रिया है, पढ़ मूल धातु है, आई प्रत्य जोड़ा तो क्या बना, हाँ बिल्कुल पढ़ाई बना। तो पढ़ना से बना पढ़ाई। लड़ना क्या है, क्रिया है, लड़ मूल धातु है और आई इसमें क्या है, प्रत्य है, मिला के लिखा तो क्या बना, लड़ाई बना। पढ़ना से बना पढ़ाई, लड़ना से बना लड़ाई। तो पढ़ाई लड़ाई ये क्या होते हैं, भाव होते हैं। आलक पालक में अक प्रत्यय होता है, अक प्रत्यय बोध कराता है किसका, पुल्लिंग का, और इका बोध करा देती है स्त्रीलिंग का। तद्धित बोला है क्या, अरे मैंने तद्धित लिख दिया, क्षमा चाहूंगा, इसमें कृदंत चल रहा है क्रिया से। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, भाववाचक तद्धित नहीं कृदंत होगा, क्रिया है तो तद्धित नहीं कृदंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल हाँ सही है, नहीं कृदंत होगा, बिल्कुल सही है, तद्धित नहीं कृदंत होगा। तो कैसे होगा, पढ़ना से बनाया पढ़ाई, लड़ना से बना लड़ाई, बिल्कुल कूटना से कुटाई होगा, बिल्कुल इसी में आएगा, बिल्कुल सही है। सर पेपर में कैसे आएगा, पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, यहां पर अच्छे से समझना कैसे आएगा। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय है, 3 कृदंत के दे देगा, 1 तद्धित का दे देगा, निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय 3 तद्धित के दे देगा, 1 कृदंत का पूछ देगा, इस प्रकार से होता है। तो देखो, पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई। अब चढ़ना क्या है, क्रिया। अब इसमें चढ़ क्या हो गई, मूल धातु हो गई, प्रत्यय क्या जोड़ा इसमें, आई जोड़ा, जब मिला के लिखा तो क्या बना, चढ़ाई बना। अब चढ़ाई क्या है, भाव है। चढ़ाई क्या होता है, भाव होता है। नहीं आएगा कल्पना रानी जी, रंगाई रंगना क्रिया है, देखो समझना इसमें,
कैसे बनेगा इसमें बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये भी विषय ध्यान रखना। बिल्कुल अगर रंगना क्रिया है, रंग मूल धातु और आई प्रत्यय, तब तो बन गया रंगाई, तब तो ये किस में आ जाएगा भाव में, ठीक है ना। लेकिन रंग से बना दिया रंगीला, तब वो किस में चला जाएगा, विषय ध्यान रखना, रंगीला आदमी का बोध कराता है तो कर्तृवाचक में चला जाता है। बिल्कुल रंगना से रंगाई बनाओगे तब इसमें आएगा, क्योंकि रंगना क्रिया होती है। तो पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, चढ़ना से चढ़ाई, अब इस प्रकार पीसना से पिसाई, बिल्कुल इसी में आएगा। पीसना क्या है, क्रिया है, पीस क्या हो गई, मूल धातु हो गई, प्रत्यय क्या जोड़ा, आई, क्या हो जाएगा, पिसाई हो जाएगा। आप कराते हो ना, गेहूं की पिसाई कराते हो, बाजरे की पिसाई कराते हो। अब देखो घूमना क्रिया है, घूमना क्रिया में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आप जोड़ दिया, जब मिला के लिखा तो क्या बना, घुमाव बना, और घुमाव क्या होता है, भाव होता है। घुमाव क्या है, भाव होता है। कमाना से कमाई भी भाव होता है, बिल्कुल इसी में आएगा, कमाना से कमाई इसमें आ जाएगा। तो कमाना क्या है, क्रिया है, और प्रत्यय क्या जोड़ दिया इसमें, आई। अब देखो जब हम किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द के अंतिम स्वर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसमें आ का लोप होके बाद वाला आ जुड़ के इसका क्या बना, कमाई बना। तो कमाना से क्या बना, कमाई। अब घूमना क्या होती है, क्रिया, घूमना से क्या बना, घुमाव। चुनना क्या होती है, क्रिया, चुन क्या है, मूल धातु, प्रत्य क्या जोड़ दिया, आप, मिला के लिखा तो क्या बन गया, चुनाव बन गया। तो चुनना से क्या बना है, चुनाव। तो चुनाव क्या होता है, भाव होता है। बिल्कुल सिलाई भी आएगा, लेकिन मेरे दोस्त रजाई नहीं आ सकता, ठीक है ना। मीठा विशेषण से बनी है मिठाई, इसलिए ये भी नहीं आ सकता, ये भी विषय ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ बहुत बिल्कुल कराएंगे, संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय खत्म होते ही फिर मैं सारे टॉपिकों के एक साथ बहुत सारे प्रश्न लेके आऊंगा। बिल्कुल पीटना से पिटाई इसी में आएगा, पीटना से पिटाई भी। नमस्ते के जांगड़ जी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे अब आप, हाँ बिल्कुल, अब आप कमेंटों पे नहीं, बिल्कुल पढ़ने पे फोकस करो पूरा। तो कमाना से कमाई, ठीक है ना, रंगना से रंगाई, रंगना क्रिया है, रंगना क्या है, क्रिया है, और इसमें आई प्रत्यय जोड़ के क्या बना दिया, रंगाई, रंगाई क्या है, भाव हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया पीसना से पिसाई, घूमना से घुमाव, कमाना से कमाई, चुनना से चुनाव। अब इस प्रकार और समझना, मुस्कुराना क्या है, क्रिया है, और मुस्कुरा में प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आहट जोड़ दिया। आहट प्रत्यय लिखते ही क्या बनेगा, मुस्कुराहट। अब मुस्कुराहट क्या होता है, मुस्कुराहट भाव होता है। क्या होता है, मुस्कुराहट भाव होता है। बहना से बहाव, मिलना से मेल, बिल्कुल इसी में आएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो देखो मुस्कुराहट से, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। अब मैंने क्रिया लिख दी थकना, और थकना में थक धन आवट, मिला के लिखा तो क्या बन गया, थकावट बन गया। थकना से क्या बना दिया, थकावट बन गया। बिल्कुल पंकज कुमार जी, धन्यवाद भाई जी। तो मुस्कुराना से मुस्कुराहट, थकना से बना थकावट, चुनना से चुनाई, बिल्कुल इसी में आएगा, चुनाव भी इसी में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो लिखना से लिखावट, लिख दिया होगा मैंने, लिखावट भी आ जाएगा, लिखाई भी आएगा, बिल्कुल। थकना से थकावट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, तो इस प्रकार और समझिए, बिल्कुल इसी में आ जाएगा। हाँ मलाई नहीं आएगा, मलाई कैसे आ जाएगा, हाँ, लिखावट, बिल्कुल। लिखना क्रिया है, लिख प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आवट, मिला के लिखा तो क्या बना, लिखावट बना। लिख धन आवट, मिला के लिखा तो क्या बना, लिखावट बना। इसी प्रकार थकना क्या होती है, क्रिया, और इसमें प्रत्यय क्या जोड़ दिया, आवट, मिला के लिखा तो क्या बना, थकावट। थकावट क्या होता है, भावी तो होता है। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं, भाव के अर्थ का बोध करा रहे हैं। तो ये भी दिखावटी भी इसका दिखाना, दिख धनावटी,
दिखावटी, दिखावट या दिखावटी, लेकिन दिखावटी नहीं होगा क्योंकि दिखावटी विशेषण हो जाएगा, दिखावट होगा, मिलावट होगा, ध्यान से रखना, रुकावट होगा बिल्कुल, ये इसमें आएंगे तो ये ध्यान रखना है। तो ये समझ आ गया होगा, उदाहरण भी खूब लिख दिए हैं मैंने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से इसका, हाँ बिल्कुल ये लिख दिए, इसका भी ले सकते हो, पिसाई है, घुमाव है, कमाई है, चुनाव है, मुस्कुराहट है, थकावट है, लिखावट है, थकावट दो बार लिखवा दिया, दो बार नहीं एक बार ही लिख लो इसको, थकावट। घूमना से हमने क्या बनाया, घुमाव। देखिए घूमना क्या होती है, क्रिया, घूमना क्या है, क्रिया है, और घूमना क्रिया से क्या बना है, घुमाव बना है, तो ये भी इसी में आएगा। हाँ बिल्कुल, मिलना क्रिया है, मिल धन आवट क्या बनेगा, मिलावट बन जाएगा, मिलावट क्या है, भाव है, अगर मिलावटी लिख दिया तो विशेषण हो जाएगा, फिर नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। हाँ सजाना से सजावट है, बनाना से बनावट है, हाँ बिल्कुल ये भी विशेष ध्यान रखना है। मिठास में कौन सा प्रत्यय, आस प्रत्यय होता है, मीठा धन आस, राजेंद्र जी मिठास हो जाएगा बिल्कुल, गड़गड़ाहट बिल्कुल आएगा, गड़गड़ाना, गड़गड़ाना में से गड़गड़ा धन आहट, गड़गड़ाहट हो जाएगा बिल्कुल आएगा, गड़गड़ाहट ही इसमें आएगा बिल्कुल होगा। हाँ अब बात करेंगे इसके बाद में पांचवा जो इसका भेद है वो कौन सा होता है, वो होता है क्रिया बोधक। अगला भेद कौन सा है, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय होता है, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय होता है। अब देखो क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय क्या होगा, जब किसी क्रिया, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रिया के अर्थ का ही बोध कराए, क्रिया के अर्थ का ही बोध कराए, अर्थात क्रिया से बनने वाला प्रत्यय, जो प्रत्यय होगा वो भी किसका बना होगा, क्रिया का ही बना होगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, मिष्ठान शब्द कैसे लिखते हैं, अरे कमल हटेला जी मिष्ठान नहीं होता, मिष्ट धन अन्न होता है, मिष्ठान होता है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ ये भी ध्यान रखना। तो देखिए अर्थात वो क्रिया से ही बना हो, प्रत्यय भी किसका बना हो, क्रिया का ही बना हो, तो क्या कहलाता है, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाएगा, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें देखो थोड़ा सा समझ लेना, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कहना क्या चाह रहा है ये, कि जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ, हाँ बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी, खिलौना शब्द में मूल शब्द है, देखो खेलना क्रिया है, खेल मूल धातु होगी, औना प्रत्यय होगा, क्या होगा, खिलौना, बिल्कुल ये भी साधन के अर्थ में आ जाएगा, बच्चे के खेलने का साधन क्या है, खिलौना है, तो खिलौना साधन के अर्थ में आ जाता है। तो देखो जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रिया के अर्थ का ही बोध कराए, अर्थात जो प्रत्यय बनेगा वो खुद क्रिया का ही बना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैंने लिखा यहां हंसता धन हुआ, अब जो हुआ आ रहा है ये हुआ भी किससे बना है, प्रत्यय से बना है, तो हंसता हुआ, जैसे हंसना क्या होती है, क्रिया, और इससे मैंने लिखा हंसता धन हुआ, अब ये हुआ प्रत्यय भी किसका बना है, क्रिया का ही बना है, तो ये क्या होगा, क्रिया बोधक दंत प्रत्यय होगा, हंसता हुआ। इसी प्रकार लिखता धन हुआ, लिखता धन हुआ क्या बना,
लिखता हुआ, ये भी क्या बना, लिखता हुआ। तो ये हुआ क्या है, प्रत्यय है इसमें। इसी प्रकार मैंने लिखा खाता धन हुआ, खाता हुआ, रोता धन हुआ, रोता हुआ। तो जो प्रत्यय आए वो भी किसका बना होना चाहिए, क्रिया का ही बना हुआ होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें तो कुछ नहीं है, नॉर्मल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, इत प्रत्यय होगा पुष्पित में महेश कुमार जी, बिल्कुल, हंसता हुआ, रोता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है ना। ये भी विशेष ध्यान रखना, मिलता हुआ इसी में आएगा। हाँ तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, कृदंत प्रत्यय। पांचों भेद हम पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, छाप लिया सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।